नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोडोलैंड मिलिटेंसी के बारे में। बोडोलैंड मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। जो आखिरी बड़ा फैक्शन था, जो गुट था, लड़ाई लड़ रहा था बोडोलैंड के लिए, उसने सरकार से बातचीत करने के लिए हामी भर दी है। तो जानेंगे कि इस बोडोलैंड मिलिटेंसी का इतिहास क्या है, क्यों ये अलग डिमांड करी जा रही है और क्या इसमें इसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसे जानेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इन पेजेस पर फॉलो कर सकते हैं, और आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो वो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा। स्टडी आईक्यू का पेनड्राइव कोर्स 2020 और 2021 सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर पर बैठकर बिना किसी मेट्रो सिटी शिफ्ट हुए आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट studyiq.com विजिट कीजिए। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है। पिछले दो दिन से ये न्यूज़ आ रही है कि NDFB नाम के एक संगठन ने सरकार से बातचीत करने के लिए हामी भर दी है, साइन अ पैक्ट विद सेंटर एंड आसाम। तो इस गुट का, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। अब सुनने में काफ़ी डेमोक्रेटिक नाम लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में देवर लीडिंग एन इंसर्जेंसी, यानी सरकार के खिलाफ हथियार उठा रखे थे इन्होंने, स्टेट के खिलाफ हथियार उठाए हुए थे। तो NDFB का एक फैक्शन था जिसे कहते हैं एस, इसे कहा जाता था NDFB एस सौराग्वारा, आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो ये इस NDFBS के लीडर का नाम है। तो सायरोग्वारा ने सरकार से बातचीत करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। NDFBS ने ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है सेंटर और असम गवर्नमेंट के साथ। तो इसमें सेंटर, असम और NDFBS तीनों भागीदार हैं। इसके तहत ये डिसाइड किया गया है कि NDFB सबसे पहले वायलेंस छोड़ देगा, हिंसा का रास्ता पूरी तरह छोड़ देगा, और सेकेंड वो सरकार के साथ शांति के लिए बातचीत करेगा। तो पहला एब्ज्योर वायलेंस, तो जैसे ही NDFB ने इस पर साइन किया कि हम हिंसा छोड़ देंगे, इसी के साथ असम में एक बहुत ही लंबी मिलिटेंसी का इतिहास बोडोलैंड के लिए जो चला आ रहा था वो खत्म हो जाता है, और अब असम में केवल एक संगठन बचा है उल्फा, जो कि सरकार के खिलाफ अभी हथियार उठाए खड़ा है। उसके अलावा असम में पहले कई सारे संगठन थे, लगभग सभी ने हथियार डाल दिए हैं। तो बोडोलैंड आखिर क्या है? देखिए, बोडोलैंड एक एरिया है जो असम में रहने वाले बोडो या बोरो, दोनों सही हैं, ये लोग अपने आप को बोरो कहते हैं लेकिन अब डी लिखा जाता है इसलिए हम सब बोडो कहने लगे हैं, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज बोरो। तो बोरो लोग जो हैं, बोरो ट्राइब के लोग असम के एक बहुत बड़े एरिया को कहते हैं कि ये बोडोलैंड है और असम राज्य से हमें अलग स्टेट चाहिए। ध्यान रखना, इन्होंने कभी अलग देश की डिमांड नहीं करी, इन्होंने डिमांड करी अलग स्टेट की, कि हमें जो असम है उसके साथ नहीं रहना, जो अहोम आइडेंटिटी है, जो मेजॉरिटी आइडेंटिटी है असम में, उससे हमारा कल्चर थोड़ा सा अलग है, हमारी हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है, तो हमें एक अलग राज्य चाहिए। तो बोडो अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी में देखें तो असम में सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है, 6% आबादी, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये डेटा है, बोडो अपने आप को आइडेंटिफाई करती है असम में। और एक समय में बोडोज असम के काफ़ी बड़े हिस्से पर उनका कंट्रोल था, खास करके जो ये ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ वाला एरिया है, इस एरिया में बोडोज राज किया करते थे काफ़ी साल पहले, और इसीलिए आज़ादी के बाद भी इन्होंने कहा कि हमें एक अलग राज्य बनाया जाए। तो बोडोज का एक काफ़ी लंबा इतिहास रहा है सेपरेटिस्ट डिमांड का। तो इन्होंने पिछले 50 साल से ये डिमांड करी है। 1966-67 में एक सेपरेट स्टेट की, अलग राज्य की डिमांड शुरू की गई बोडोलैंड के नाम से, और सबसे पहला संगठन जो था जिसने डिमांड खड़ी करी वो थी प्लेन्स ट्राइबल्स काउंसिल ऑफ असम। क्योंकि देखो, ये पूरा प्लेन्स इलाका है, नॉर्दर्न ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन्स है यहाँ पर बोडोज रहते हैं। तो प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम ये पॉलिटिकल आउटफिट था, 20 साल तक ये डिमांड करता रहा। 87 में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, उस वक्त स्टूडेंट्स यूनियन बहुत पावरफुल थे, पॉपुलर थे, आपको याद ही होगा असम में भी स्टूडेंट्स यूनियन था जिसने असम अकॉर्ड साइन किया था, तो वैसा ही एक ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन बना और उसने ये डिमांड फिर से जोर शोर से उठाई। क्योंकि असम अकॉर्ड जब साइन हुआ तो बोडोज को लगा कि जो असम आइडेंटिटी के लोग डिमांड कर रहे थे उनकी डिमांड सरकार ने मान ली तो हमारी क्यों नहीं मानी जा सकती। तो उन्होंने 85 में असम अकॉर्ड साइन होने के बाद अपनी डिमांड रिन्यू करी कि हमें असम से अलग 50-50 डिवीजन करके बोडोलैंड दो, यानी आधा, ये उन्होंने बोडोलैंड मांगा था जो इस मैप में आपको नजर आ रहा है कि आधा असम बनेगा बोडोलैंड और बाकी का बनेगा असम, डिवाइड असम 50-50, ये उस वक्त की डिमांड थी। तो ये जो डिमांड है ये पिछले 5 दशकों से चली आ रही है, लेकिन इसमें हिंसा शुरू होती है 3 दशक पहले, लगभग 30 साल पहले, जब 1986 में कुछ वायलेंट संगठन बनते हैं जिन्होंने कहा कि हम अब पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं, हिंसा के माध्यम से अपनी डिमांड रखेंगे। तो दो मूवमेंट साइड बाय साइड चल रहे थे, पहला जो पॉलिटिकल मूवमेंट था और दूसरा जो वायलेंट इंसर्जेंसी शुरू करी गई मेनली दो संगठनों के कारण,
एक था एनडीएफबी और दूसरा था बीएलटीएफ। कुछ छोटे संगठन भी थे बट हमें सिर्फ ये दो नाम याद रखने चाहिए, एनडीएफबी और बीएलटीएफ, क्योंकि यही दो इंपॉर्टेंट थे और सबसे बड़े संगठन थे। तो इन दोनों ने 80 के दशक के एंड में ये वायलेंस इंसर्जेंसी जो शुरू करी, स्टेट के खिलाफ हथियार उठाए, वो 90 के दशक में काफी बड़े स्तर पर चला। लेकिन 2003 आते आते सरकार ने बीएलटीएफ, बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स, के साथ समझौता कर लिया। एक संगठन यानी 2003 में ही समझौता कर चुका था। बीएलटीएफ ने कहा कि हम इसमें खुश हैं कि सरकार, केंद्र सरकार ऑटोनॉमस स्टेटस देना चाहती है हमें, और इसीलिए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया 2003 में। तो इन्होंने जो 90 के दशक में संघर्ष किया, हालांकि आर्मी ने काफी हद तक इंसर्जेंसी पे कंट्रोल पा लिया था बाय द एंड ऑफ 2000, लेकिन 2003 में गवर्नमेंट मान जाती है कि एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जाएगी। 6th शेड्यूल के तहत एक ऑटोनॉमस एरिया दिया जाएगा इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यहां पर अलग चुनाव होंगे, एक अलग काउंसिल होगी जिसके अलग सदस्य होंगे, और ये इन चार डिस्ट्रिक्ट्स को डाला गया इस ऑटोनॉमस काउंसिल में। तो इसे आज कहते हैं BTAD, बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स। ये चार डिस्ट्रिक्ट हैं, कोकराझार, चिरंग, बक्सा और उदलगुरी। ये चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बोडोलैंड ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स कहलाते हैं। इन चार को मिलकर बनता है बोडोलैंड। तो एक तरह से अलग राज्य नहीं, लेकिन हाँ, राज्य के भीतर ही ऑटोनॉमी, स्वायत्तता दे दी गई, और इसके कारण एक बड़ा संगठन तो शांत हो गया। तो यहां पर 3,082 से ज्यादा गांव हैं जो बोडो मेजोरिटी हैं असम के, और ये चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हालांकि इनकी डिमांड थोड़े ज्यादा बड़े एरिया की थी, लेकिन फिर सरकार ने इन्हें चार डिस्ट्रिक्ट जितना एरिया दे दिया। तो आज बोडोलैंड में असम का 11% एरिया इंक्लूड होता है। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट BTC बनाने के पीछे रीजन क्या था? कि बोडोस की इकोनॉमिक, एजुकेशनल डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सके, इनकी जमीन, इनका कल्चर, इनकी सोशल आइडेंटिटी बोडोस की मेंटेन रखी जा सके। तो ये इनका टारगेट था जो अचीव हो गया। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी तेजी से होना चाहिए इस एरिया में, जो कि BTC के कारण हो रहा है। लेकिन एक संगठन था जो अभी भी इस समझौते से खुश नहीं था। उसका नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, NDFB। तो NDFB की शुरुआत होती है अक्टूबर 1986 में, जब एक ग्रुप बनता है बोडो सिक्योरिटी फोर्स। तो बोडो सिक्योरिटी फोर्स की शुरुआत करी थी रंजन डाइमारी ने, और आगे जाकर 94 में इसका नाम बदलकर रख दिया गया नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। तो NDFB काफी नोटोरियस था एक समय पर 90 के दशक में, अटैक्स के लिए, किलिंग्स के लिए, बॉम्ब ब्लास्ट, एक्सटॉर्शंस, इन सभी के लिए 90 में बहुत ही नोटोरियस हो गया था NDFB। और जब भारत में आर्मी ने इनके खिलाफ काफी बड़ा ऑपरेशन चलाया, तो ये भूटान चले गए सभी, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे भूटान, बस ये भूटान का ही बॉर्डर है, यहाँ पर भूटान है, तो भूटान के जंगलों में जाकर ये रहने लगे। फिर भारत सरकार ने भूटान की आर्मी के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया, सॉरी इंडियन आर्मी और भूटान आर्मी ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया, और फिर इन्हें भूटान से निकाला गया बाहर। तो ये जाकर म्यांमार के जंगलों से अपना ऑपरेशन चलाने लग गए। तो NDFB जो है वो कंटिन्यूअसली पिछले 30 सालों से एक हिंसक आंदोलन चला रहा है सरकार के खिलाफ, असम सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ, और उसमें इन्होंने नॉन बोडो सिविलियंस को बहुत बार टारगेट किया है। यानी कि जो इन बोडोलैंड वाले एरियाज में रहते हैं लोग, सारे तो बोडो है नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन बोडोज हैं, उसमें कुछ एक आदिवासी ग्रुप्स हैं जो प्लांटेशन वर्कर्स कहलाते हैं। हालांकि बोडो खुद आदिवासी हैं, लेकिन एक और ग्रुप है जो टी वर्कर्स कहलाता है, जिन्हें अंग्रेज यहां पर लाए थे चाय के बागानों में काम करने के लिए, तो आज उनके डिसेंडेंट्स भी वहीं रहते हैं। तो इन्हें टारगेट किया जाता है, इन आदिवासीज को, क्योंकि बोडोज मानते हैं ये बाहर से आए हैं, ये बिहार या फिर जो संथाल एरियाज थे बंगाल के, वहां से लाए गए थे, तो इन्हें यहां का लोकल नहीं माना जाता बोडोज के द्वारा, और इनके खिलाफ हिंसा काफी बढ़ती जा रही है। 2000 के बाद से NDFB ने बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को। इसी क्रम में 2012 में जुलाई में NDFB ने बोडोलैंड के एरियाज में रहने वाले मुस्लिम्स पर, जिन्हें बोडो NDFB कहता था, ये बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, उन पर बहुत बड़े स्तर का हमला किया गया। उस वक्त करीबन 80 लोगों की मौत हुई थी इस हमले में, और खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वक्त वहां पर गए थे, जो राइट अफेक्टेड एरियाज थे वहां पर विजिट करने के लिए, क्योंकि ये हिंसा लगभग एक महीने तक चली थी और ये बहुत बड़े स्तर की हिंसा थी। इसमें 500,000 लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था, 500,000 पीपल वर डिस्प्लेस्ड। 2014 दिसंबर में भी NDFBS, जो एक संगठन है, अभी बताता हूँ एस का क्या मतलब है, उसने भी एक बड़ा हमला किया और 80 आदिवासियों को मार दिया था सोनेटपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये दिसंबर 2014 की बात है। तो कुल मिलाकर बड़े बड़े जो मैसेकर्स हैं वो किए हैं इस NDFB संगठन ने। तो NDFB जो है उसकी शुरुआत 1986 से हो गई थी, लेकिन 2008 में उसमें बंटवारा हो गया। होता यह है कि 2008 में असम में बम ब्लास्ट करवाए गए, NDFB ने ब्लास्ट करवाए थे, 80 लोगों की मौत होती है, उसको लेकर इस ग्रुप में आपस में टेंशन हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, बम ब्लास्ट करवाना गलत था। तो ऐसे ही ग्रुप दो हिस्सों में बट जाता है, एक बना NDFB पी यानी प्रोग्रेसिव, जिसका लीडर था गोविंद बासु मातारी, और एक बना NDFB आर, जिसका लीडर था रंजन दाइमारी, जो ओरिजिनल लीडर है।
तो एनडीएफबी पी जो है प्रोग्रेसिव, इसने केंद्र सरकार के साथ 2009 में बातचीत करनी शुरू कर दी और अपने हथियार डाल दिए। तो आप देखिए एनडीएफबी पी दूसरा बड़ा संगठन बन जाता है। पहला कौन सा था? लिबरेशन बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फोर्स। दूसरा एनडीएफबी प्रोग्रेसिव। तीसरा है एनडीएफबी आर। ये भी 2010 में एक तरह से खत्म हो गया क्योंकि डायमारी को पकड़ लिया था बांग्लादेश में और बांग्लादेश ने भारत को सुपुर्द कर दिया और उसके बाद आर फैक्शन भी सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि सरकार ने इनकी कमर तोड़ दी थी और लीडर को अरेस्ट कर लिया था। 2012 में जब सरकार से बातचीत चल रही थी तो इसी एनडीएफबी आर के एक नेता इंगती कथार सोंगबीजीत, इसने डिसाइड किया कि मैं एक अपना अलग संगठन बनाऊंगा क्योंकि मैं सरकार से बातचीत के खिलाफ हूं, हमारा आंदोलन अभी तक अधूरा है, हमें बोडोलैंड अलग स्टेट चाहिए और हम लड़कर रहेंगे। ऐसी सोच रखने वाले सोंगबीजीत ने अपना एक अलग एनडीएफबी बनाया। तो ये तीसरा एनडीएफबी है जिसको एनडीएफबी एस कहा जाता है और 2012 के बाद से सबसे मेन एनडीएफबी यही चल रहा है क्योंकि और कोई हिंसा के रास्ते पर नहीं है, केवल एनडीएफबी एस हिंसा कर रहा है। और 2015 में क्या होता है कि एनडीएफबी एस अपने खुद के ही नेता सोंगबीजीत को हटा देते हैं और उसकी जगह बी सौरेग द्वारा को नेता बना देते हैं। तो इसीलिए ये एस तो बना रहा क्योंकि नेता का नाम दोनों का एस से था, लेकिन एनडीएफबी एस की लीडरशिप चेंज हो चुकी है। तो अब सौरेग द्वारा के साथ सरकार ने बातचीत शुरू कर दी है, सौरेग द्वारा हैज सरेंडर्ड और जो सोंगबीजीत है वो अभी भी एक अपना अलग संगठन चला रहा है लेकिन अब वो बोडोलैंड के लिए नहीं लड़ रहा है, वो कार्बी आंगलोंग में एक अलग कार्बी आंगलोंग राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि सोंगबीजीत जो है आप सोचिए ये एक बोडो नहीं था व्यक्ति, फिर भी ये बोडोलैंड के लिए लड़ रहा था। ही वॉज एथनिकली अ कचार, ठीक है, तो कचार डिस्ट्रिक्ट को ये बिलोंग करता था और कार्बी आंगलोंग के लिए ये अभी लड़ रहा है। ही स्टिल एक्टिव, ही स्टिल वर्किंग अगेंस्ट द स्टेट। तो एनडीएफबी एस तीसरा और सबसे आखिरी बड़ा फैक्शन था बोडो इंसर्जेंसी का और इसने भी अब सरकार से बातचीत के लिए काम शुरू कर दिया है। हुआ ये रीसेंट डेवलपमेंट ये है जनवरी का कि एनडीएफबीएस के नेताओं से बातचीत करी गई बैक चैनल्स के थ्रू और एनडीएफबीएस के नेता हैं ये म्यांमार में जाकर छुप गए थे, वहां पर यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया एक संगठन जो परेश बरुआ ने बनाया था, उल्फा वाले परेश बरुआ ने, उनके साथ मिलकर इस संगठन को ज्वाइन कर लिया था एनडीएफबीएस ने और बोडोलैंड की इंसर्जेंसी में ये इकलौता एनडीएफबीएस बचा था। तो सरकार ने इनके साथ पिछले साल बातचीत शुरू करी और ये आउट नहीं था, पब्लिक में नहीं बताया गया था कि बातचीत चल रही है, लेकिन 11 जनवरी को ये हुआ कि इन्हें म्यांमार से भारत आने दिया गया। तो एनडीएफबी के टॉप लीडर्स ने, लगभग 25 नेता बताए जा रहे हैं जो इसके लीडर्स हैं, उन सब ने बॉर्डर क्रॉस करा, भारत आए हैं अपनी फैमिलीज के साथ, उन्हें कहीं सीक्रेट जगह पर अभी रखा गया है सेफली गवर्नमेंट ने जब तक बातचीत पूरी नहीं हो जाती है। तो इनके साथ बातचीत अब स्टार्ट हो चुकी है और एनडीएफबी एस के साथ बातचीत के बाद बोडोलैंड के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लिए जाएंगे सरकार के द्वारा, ये देखना होगा हमें आने वाले कुछ महीनों में। जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि असम राज्य में कितनी रिफाइनरीज हैं और कहां पर स्थित हैं? नेम द रिफाइनरीज एंड देयर लोकेशन इन द कमेंट्स। थैंक यू।